अल्लाह से दुआ करे कि मेरे फ्लावर्स हैं वो जल्दी जल्दी आने लग जाएं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू 25th व्लॉग ऑफ हमदा प्याज फिल्म्स। और सीन ये है कि ये वाला जो व्लॉग है ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी अबाउट दिस सर्टेन टॉपिक। तो मैंने सोचा कि ये वाला टॉपिक जो है ये बेसिकली एक ओवरव्यू था, और लेकिन जो आज का टॉपिक है उसके अंदर मैं बताऊँगा कि अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड, ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, पेंटिंग या फैशन में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी आर्ट या डिज़ाइन स्कूल में, तो क्या प्रोसेस होता है और उसके लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स वगैरह होने चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हाँ भाई, सीन ये है कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरी वीडियो के नीचे और इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे, लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कितने मिनिमम जो है वो मार्क्स होने चाहिए इंटर के अंदर, और 2 ईयर्स डिप्लोमा कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ लोग 6 मंथ्स का डिप्लोमा पूछ रहे थे। तो वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन और पेंटिंग यानी फाइन आर्ट्स, इसके अंदर जो है वो सिर्फ पेंटिंग, स्कल्पचर और इस तरह की मिनिएचर वगैरह, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। ये सारी फील्ड्स जो हैं ये आर्ट्स रेलिवेंट है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो आर्ट्स रेलिवेंट वीडियो है, वो आर्ट्स एंड डिज़ाइन की है, उसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो ग्राफिकल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का पूछ रहे थे, यार उसका मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं पता। जो मैं जिस टेक्सटाइल डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ उसके अंदर आपके डिज़ाइन आते हैं, इंडस्ट्रियल यूजेज उसका इतना नहीं है, उसका इंडस्ट्री के अंदर आप डिज़ाइन करते हो प्रोडक्ट्स को, फैब्रिक्स को, वो सीन है उसका। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ट्राई करो कि आप जो है वो सर्टेनली ऑनर्स सेलेक्ट करो, 4 ईयर्स डिग्री विच इज़ इक्वेलेंट टू मास्टर्स डिग्री, ताकि नेक्स्ट आपने अगर कोई इसी के अंदर एम फिल या पी एच डी वगैरह भी करनी हो इन केस, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। और एक और चीज़ ये है कि इसके लिए सर्टेनली आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर नहीं होते इंटर में, लेकिन इंटरमीडिएट में, लेकिन इसमें यह होता है कि आपको मिनिमम परसेंटेज, डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फ़र्क है, लेकिन जो यूजुअली चल रही है वो 45% से 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके मार्क्स इंटरमीडिएट में इतने होने चाहिए। उसके बाद आपका ड्राइंग टेस्ट होता है और उसके साथ आपका इंटरव्यू होता है और आपका पोर्टफोलियो देखा जाता है। ड्राइंग टेस्ट में ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने ऑब्जेक्ट्स रख दिए जाएँ और आपको बोला करें कि लाइव ड्राइंग करें, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग करें, कुछ भी अपने माइंड से सोचें और उसको ड्रॉ करें। और फिर उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू कॉल आती है, उसमें आप अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, ऐसे तमाम लोग जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, पोर्टफोलियो आपका वो ड्राइंग पीसीज होते हैं जो आपने ड्रॉ किए हैं प्रीवियसली अपनी स्किल को दिखाने के लिए, कि आप किस स्केल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं या कर सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूट उसको फर्दर जो है वो पॉलिश करता है, उसको पॉलिश करने में हेल्प देता है आपको, उस फील्ड में सर्टन आगे जो है वो एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं होता कि इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है, ऐसा नहीं होता कि इंस्टीट्यूट बिल्कुल मैटर नहीं करता। डिग्री बहुत मैटर करती है, इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो। अगर आपकी स्किल ज़ीरो है तो आप एनसीए से ग्रेजुएट हो जाएं, इंडस वैली से ग्रेजुएट हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लिटरली सीखना चाह रहे हैं, स्किल पॉलिश करना चाह रहे हैं और उस फील्ड में कुछ आगे करना चाह रहे हैं, देन आपके लिए इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है। और उसके लिए फिर आपको जो है वो ये रिकमेंडेशन है कि आप जो है 4 ईयर्स डिग्री करें, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं आप इंस्टीट्यूट के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने का टाइम भी मिलता है, और एक्सपेरिमेंटेशन का जो है वो आपके पास एक मार्जिन होता है। डिप्लोमास में यूजुअली जो मैंने अभी तक देखा है वो ये होता है कि फ़ीस आपसे ले ली जाती है इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, लेकिन आपको उसके ऊपर प्रॉपर कोई क्लासेस नहीं होती और टाइम स्पेंड बहुत कम होता है, वो आपको सर्टन एक या दो टेक्निक सिखा के और फारिग करा देते हैं। ऐसा 4 ईयर्स डिग्री में नहीं होता अगर आप किसी मुनासिब इंस्टीट्यूट में जाएँ तो। तो ये सारी सीन है। अगर आप कराची वाले रीजन से हैं तो इंडस वैली इज़ अ गुड ऑप्शन, अगर आप लाहौर पंजाब वाले रीजन से हैं तो आपको जो है वो फर्स्ट नंबर पे एनसीए, सेकंड पे जो है वो बीएनयू और थर्ड पे पंजाब यूनिवर्सिटी है। और अगर आप कहीं फैसलाबाद रीजन में से हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया वो भी सही है। अगर आप भागलपुर वाली साइड से हैं तो आप जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है,
वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें सम अप हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है फर्दर तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। आई होप ये हेल्पफुल होगी। ये बिल्कुल भी शशका बेस्ड वीडियो नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी तो मैंने काफ़ी लोगों को यही बोला था कि मैं आपको इस पर एक फर्दर वीडियो बना के सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दूंगा। तो ये सारा सीन है, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और ऐसे लोग जिनके लिए ये हेल्पफुल नहीं है बाय देमसेल्व्स, वो इसको शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिनको फर्दर एडमिशन लेना है, तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। प्लस यहाँ पे जो वीडियो मैंने पीछे कार्ड्स में चलाई थी वो वीडियो भी उनको दिखा दें तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर्ट एंड डिज़ाइन फील्ड में इसलिए आना चाह रहे हो कि पार्टी का सीन होगा और फुल यो वाला सीन है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई, मजदूरी करनी पड़ती है। ग्राफिक डिज़ाइन वाले जो है वो 18-18 घंटे कंप्यूटर की स्क्रीन देखते रहते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन वाले खज्जल होते रहते हैं मटेरियल एक्सप्लोरेशन के लिए, और बैठ के मैनुअल जो है वो हाथ से डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको जो है वो डिजिटल फॉर्म में लेके जाते हैं। और सिमिलरली जो है वो फैशन डिज़ाइन वाले जो है वो 18-18 घंटे बैठ के मशीनों पर स्टिचिंग करते हैं और उनके पैटर्न्स डिज़ाइन करते हैं, कटिंग करते हैं, मतलब अच्छा खासा खपत वाला काम है। और सिमिलरली जो पेंटर्स हैं वो म्यूरल्स बनाते हैं इतने बड़े बड़े और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कितने कितने घंटे बैठ के वो एक एक स्कल्पचर को करते हैं, और मिनिएचर का भी यही सीन है, बहुत बारीक काम है। तो इस तरह के चक्रों में अगर पढ़ना है पार्टी के लिए तो बिल्कुल ना पढ़ो इसको, अगर करना है तो सिर्फ इसलिए करो कि शौक है बहुत ज़्यादा, और इस तरह की कोई गॉड गिफ्टेड अगर स्किल है तो उसको लेके चलना है आगे एज अ करियर। या अगर आप देख रहे हो कि यार ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपके अंदर जो थोड़ी बहुत स्किल है आप उसको पॉलिश करके एक अच्छा करियर ले सकते हो, अगर आप इंजीनियरिंग और जो है वो और कोई भी जो है फील्ड उसमें आप जा सकते हो, अगर आप ज़रा जीनियस किस्म के बंदे हो, पढ़े लिखे हो, मतलब पढ़ना लिखना अच्छा लगता है एंड ऑल, लेकिन इसके अंदर आपका, इन फील्ड्स के अंदर आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो तो इन फील्ड्स में आपकी कोई जगह नहीं है, बेशक आप जितने मर्जी भी पढ़ने लिखने में अच्छे हो, लेकिन अगर स्टडीज़ में आप बहुत अच्छे हो, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो और आप क्रिएटिव नहीं हो तो इन सारी फील्ड्स में आपकी कोई जगह नहीं। लेकिन अगर आप एकेडमिक्स में इतने अच्छे नहीं हो लेकिन अगर आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा और आपको काम करना, फिजिकली अपने हाथ से क्रिएट करना चीज़ें अच्छा लगता है, तो फिर ये फील्ड्स आपके लिए। तो ये चीज़ मेक श्योर कर लेना अपना, किसी भी फील्ड में जाने से पहले माइंड इस तरह से बना लेना, और ये अपने आप की खुद आप एवेल्यूएशन करो कि आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके पास, आप क्रिएटिव हो, अगर आप क्रिएटिव हो तो फिर गो अहेड, अगर नहीं हो तो पार्टी करने के लिए प्लीज़ मत आना। ये एक सजेशन है, लेना है तो ले, नहीं तो जाने दें। तो आई होप के ब्लॉग 26 जो है वो जल्दी आएगा, विद इन अ वीक इंशाल्लाह। वैसे मैं प्रॉमिसेस का इतना पक्का नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि आई विश, अल्लाह से दुआ करें कि मेरे ब्लॉग हैं वो जल्दी जल्दी आने लग जाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी तो आनी चाहिए, और अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अपनी राख से टूट जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा।